हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक बार फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2019 जो कि पेपर दिसंबर में हुआ था, उसके सीडीपी के क्वेश्चंस, और देखेंगे कि 2019 दिसंबर में जो सीटेट का पेपर ये पूछा गया था, इसमें सीडीपी से कैसे प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार से इसका उत्तर देना है। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस है, आप अगर प्रीवियस इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए टॉपिक भी रिपीटेड है और साथ ही साथ क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, और जैसे जैसे जो रिपीटेड क्वेश्चन आता जाएगा उस पर हम डिस्कस करते जाएंगे कि वह क्वेश्चन कितनी बार पूछा है और कैसे पूछा है और कौन से वर्ष में पूछा है। तो चलिए हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 30 से। सीडीपी के 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाते हैं सीडीपी के हर साल सीटेट में, चाहे पेपर वन की बात हो या पेपर टू की बात। ये हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं सीटेट 2019 दिसंबर के, पेपर टू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेपर टू में आप देख सकते हैं 30वां प्रश्न, यानी कि हमारे लिए पहला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं या द्वितीयक एजेंसियां। दोस्तों यह प्रश्न मैंने अभी 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और तीनों साल यह प्रश्न पूछा है। थोड़ा प्रश्न पूछने का अंदाज बदल जाता है, जिसे कभी कभी पूछ देता है कि प्राथमिक एजेंसियां कौन है, और विकल्प में देता है स्कूल, परिवार, समाज, तो इस प्रकार से प्रश्न, लेकिन हर साल ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको बस समझ जाइए, ध्यान में रख लीजिए कि जो परिवार एवं पास पड़ोस होता है वह प्राथमिक एजेंसियां होती हैं, जो स्कूल विद्यालय होता है वह द्वितीयक एजेंसियां होती हैं। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसियां होती हैं। दोस्तों यह होती हैं प्राथमिक एजेंसियां। बिल्कुल आपका जवाब सही है। चलिए प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 29 को। प्रश्न संख्या 29 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। चलिए अब ये मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कई बार जीन पियाजे के सिद्धांत से लिया जाता है, जीन पियाजे के सिद्धांत से पूछा जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में बहुत तेजी से होता, विकास बहुत तेजी गति से होता है, शारीरिक वृद्धि और विकास, या फिर मध्य बाल्यावस्था में अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता हो जाती है, या फिर बच्चे तर्क एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, या फिर अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा होता है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। हम बात कर रहे हैं मध्य बाल्यावस्था यानी कि 6 से 11 साल की। तो 6 से 11 साल का बच्चे के अंदर शारीरिक विकास बहुत तेजी से नहीं होता, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, ठीक है। अमूर्त रूप से सोचना का मतलब जो चीज़ें उसको दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में भी वो सोचना प्रारंभ मध्य बाल्यावस्था में नहीं करता, कि वह टीन एज में आके करता है, किशोरावस्था में करता है। अधिगम का मुख्य संवेदी मतलब वो देख के सुन के इन चीज़ों से सीखता है, ये तो बिल्कुल बाल्यावस्था नहीं, शैशवावस्था की बात होती है। मतलब मूर्त रूप से, ये तीसरा विकल्प है, बच्चे तर्कपूर्ण एवं मूर्त रूप से सोचना, मतलब जो चीज़ें उनको दिखाई देता है ना उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं 6 से 11 साल के बच्चे, और इसीलिए जीन पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, मूर्त संक्रियात्मक बाल्यावस्था को कहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कि बच्चे तर्क एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं मध्य बाल्यावस्था में। बहुत सही दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका सही जवाब दे दिया होगा। चलिए अभी सेम अगला प्रश्न ऐसे ही पूछा जा रहा है बाल्यावस्था के बारे में, तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, ठीक है। अब ये प्रश्न बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, सारे विकल्प सही लगेंगे लेकिन होंगे नहीं। इसमें कह रहा है कि यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। अब समान रूप से होता है हर एक विभिन्न सांस्कृतिक, सेम कॉन्टेक्स्ट में होता है, समान रूप से होता है, या फिर समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा विकल्प दिया गया कि यह है कि बाल्यावस्था की अवधारणा का अभिप्राय यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो बच्चों को आप ऐसे तो गाली नहीं दे सकते ना, तो ये जवाब तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो कोई बच्चा इसको सही नहीं करेगा। अगला लिखा है कि यह बच्चे शून्य रूप से शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं, और उनके गुण
पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या किसी बच्चे का विकास पूर्ण रूप से उसके परिवेश पर निर्धारित करता है? बिल्कुल नहीं, उसके वातावरण पर भी निर्भर करता है, उसके अनुवांशिक पर भी निर्भर करता है, पूर्ण रूप से परिवेश पर निर्भर नहीं करता। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल अगर आपका विकल्प ये सही है तो बिल्कुल इसका यह सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, मान लीजिए कोई बच्चा है, वह बार बार किसी कार्य को इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पुरस्कार पाने की इच्छा है। ठीक है, किसी भी गतिविधि को करने के लिए उसका यह मकसद है कि उसको पुरस्कार मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, उसको स्टार या बैच मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है, क्या हो सकता है ऐसे? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। भौतिकवादी का मतलब मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, मतलब आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं, आपको भौतिक में कुछ लाभ हो रहा है, सामने कुछ चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए आप काम कर रहे हैं। तो पुरस्कार पाने की लालसा से या पुरस्कार पाने की इच्छा से कोई किया गया कार्य क्या अधिगम के प्रति भौतिकवादी एटीट्यूड, भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, भौतिकवादी अभिवृत्ति है, या फिर समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना? तो आनंद तो प्राप्त, क्योंकि वहाँ तो हम प्राइज पाने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो आनंद प्राप्त की तो बात नहीं, पुरस्कार के बिना भी उसकी गतिविधि लगे रहना। देखिए जब बच्चा पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है या अधिगम कर रहा है तो पुरस्कार के बिना उस गतिविधि में तो नहीं लग सकता। ठीक है, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम पुरस्कार की बात करें तो देखिए जो पुरस्कार पाना या मिलना केवल इस नियत से काम करना, ये वही दर्शाता है कि मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, यानी कि बहुत सही जवाब आपने दिया, पहला होगा कि अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास इसकी संभावना है। चलिए प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं दोस्तों। ये वो सारे प्रश्न हैं जो कि आपके सीटेट 2019 दिसंबर में पूछे गए थे पेपर 2 में, और इसी प्रकार से प्रश्न उम्मीद करते हैं कि इस बार भी परीक्षा में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? देखिए सार्थक, ज्ञान की सार्थक संरचना मतलब मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, आपको मीनिंगफुल सार्थक संरचना के लिए क्या जरूरी है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, बहुत सही लग रहा है, या फिर लगातार, यहाँ ध्यान से देखिए, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, ठीक है, रिकॉल करना, याद करना, या फिर सोचना। तो लगातार अभ्यास ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देता है कि लगातार मतलब आप लगातार अभ्यास करें। पुरस्कार एवं दंड, दंड तो फिर पहले ही नेगेटिव। उद्दीपन प्रक्रिया प्रतिक्रिया संबंध, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सार्थक संरचना का विकास कब हो सकता है? सार्थक संरचना के विकास का महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, बहुत सही, विकल्प संख्या 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, आप इसलिए कर पाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? किसी बच्चे को अधिगम यानी कि सीखने में, यानी कि लर्निंग में कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है? तो पहला विकल्प दिया है कि विद्यार्थी की अभिरुचि, मतलब यह विद्यार्थी को अधिगम को प्रभावित कर सकता है कि विद्यार्थी कितना इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो ये फैक्टर तो प्रभावित करता है, बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थी की संवेगी स्वास्थ्य, संवेगी स्वास्थ्य मतलब उसका इमोशनल हेल्थ, मतलब इमोशनली वो कितना प्रिपेयर है, ठीक है, तो बिल्कुल इमोशंस भी जरूर अफेक्ट करता है कि बच्चे कितना सीख पाएंगे। अगर वो इमोशनली स्ट्रांग है तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे, अगर इमोशनली वो हर्ट है तो नहीं सीख पाएंगे। चलिए, शिक्षा शास्त्री रणनीति, मतलब किस रणनीति के तहत, किस स्ट्रैटेजी के तहत आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, यह भी सीखने को प्रभावित करता है। और विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, कि सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से वो कितना जागरूक है, कितना एक्टिव है, यह भी बच्चे को सीखने में प्रभावित करता है। तो आप देखेंगे कि चारों जो विकल्प हैं वो चारों विकल्प एक बच्चे के सीखने में, अधिगम में, लर्निंग में प्रभावित करते हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा, कौन सा विकल्प हो जाएगा दोस्तों? इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या 4। ठीक है, 4, क्योंकि चारों प्रभावित करते हैं, तो देखो चारों, जिसमें चारों ऑप्शन है वह विकल्प संख्या सही हो जाएगा। चलिए बहुत सही, अब आइए प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24 में क्या पूछा गया कि संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध है? देखिए थोड़ा सा हिंदी दे दिया है, आप इसके लिए ना, इसको सपोर्ट के लिए इंग्लिश वाला भी जरूर पढ़िएगा। संज्ञान का मतलब आपके माइंड, आपके कॉग्निशन से बात की जा रही, लेकिन संवेग का मतलब आपके इमोशंस की बात की जा रही। तो आपके कॉग्निशंस और आपके इमोशंस में किस प्रकार का रिलेशन है, संज्ञान और संवेग में किस प्रकार का संबंध है? तो क्या यह एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब एक का दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, क्या ऐसा है? या फिर एक दिशी है, मतलब अगर एक आगे बढ़ता है तो ये भी आगे बढ़ेगा, एक के घटने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्या एक तीसी है, या फिर सेम दूसरा भी विकल्प यही कह रहा है कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं एक दिशीय, या फिर दोनों एक ही विकल्प हो गया। और लास्ट विकल्प आपका दिया गया है कि लास्ट विकल्प दोनों के बीच गतिशील पारस्परिक क्रियाएं होती है, मतलब द्विदिशीय है, मतलब अर्थात मतलब बाई डायरेक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल है, वो द्विदिशीय है, मतलब एक साथ या आगे भी बढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ या नीचे भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द्विदिशीय हो जाएंगे, विकल्प संख्या चार इसका सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, आपने देखा कि इस तरह से हमने 7 प्रश्नों को देख लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम 30 प्रश्न को देख के फिर खत्म करेंगे, और ये ऐसा प्रश्न है जो कई बार पूछा गया और ऐसे डिस्कस करके पढ़ा जा सकता है, मेरा ये मानना है। चलिए अब देखिए, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सहजानुभूत सिद्धांत की, कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब उनके आसपास कुछ चीज़ें ऐसे चल रही होती है, तो वो अपने अनुसार अपने दिमाग से अपने अज्ञानता से या फिर अपने मन से कोई सिद्धांत की संरचना कर लेते हैं, वो मान लेते हैं कि इस प्रकार है इसीलिए कार्य हो रहा है, वो अपना कोई सिद्धांत गढ़ लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो वो उसको मान लेते हैं। अब इस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, देखिए जो संवाद के द्वारा बच्चों की इस अवधारणा को चुनौती देना चाहिए, मतलब बच्चे अगर कोई चीज़ मान लेते हो तो आप इसको चुनौती दें, आप इस पर डिस्कस करें, आप इस पर बात करें, क्या सही है क्या गलत है, तर्क के आधार पर उसको निर्धारित करें, क्या यह विकल्प सही है, या बच्चों के इन विचारधारा को खारिज कर देना चाहिए, मतलब नहीं ये खारिज है, ये बकवास है, बिल्कुल ख़त्म, इस पर कोई बात ही ना करें, मतलब खारिज है खलास। उसके अलावा बच्चों के इस सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए, मतलब चलो यार कोई बात नहीं, उसकी अपनी मर्जी, जो सोच रहा है सोच रहा है, या फिर बच्चों के इन विचारों के लिए डांटना चाहिए कि ये विचार, मतलब बच्चों को डांट भी तो नहीं सकते ना। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही विकल्प ये हो जाएगा कि बच्चों के इन अवधारणाओं को आप अपने वाद विवाद डायलॉग के द्वारा संवाद के द्वारा बात करिए, चुनौती दीजिए, डिस्कस करिए, ठीक है। तो चलिए ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प संख्या एक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, ज्ञान की संरचना के लिए क्या आवश्यक है। आप ज्ञान की संरचना के लिए विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ठीक है, विद्यार्थी का पहले जितना ज़्यादा ज्ञान रहेगा वो ज्ञान की संरचना और अच्छे से कर पाएगा, क्या यह महत्वपूर्ण है, या फिर अनुबंधन मतलब संबंध, या फिर दंड, या फिर यंत्रवत याद करना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वही, कि ज्ञान की संरचना के लिए विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान क्या है, अति आवश्यक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 में हम बात करेंगे कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं। आप एज्यूम करिए कि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो कि पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप उसके साथ कैसे बर्ताव करेंगे, बच्चे को क्लास से बाहर कर देंगे, मतलब कक्षा से बाहर जाने के लिए कह देंगे, या फिर कक्षा के सामने उसे बार बार डांटेंगे, ठीक है, या फिर उनसे बात करके तथा उनकी अभिरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, मतलब आप उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यार वो पढ़ने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, वो क्यों रुचि नहीं ले रहा है पढ़ने में, आप ये करेंगे, या फिर उनके उनको अत्यधिक गृह कार्य देंगे, वर्कशीट देंगे कि जाओ घर पे करके। तो बिल्कुल सही जवाब, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे शिक्षक शिक्षिका बनेंगे तो आप उनको डांटेंगे नहीं, उनको क्लास से बाहर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, आप उनसे बात करके उनकी अरुचि मतलब अनइंटरेस्टेड, वाई ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, यू विल ट्राई टू नो द रीज़न, राइट, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम को एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, पूछ रहा है, प्रभावशाली प्रणाली नहीं है, क्या बच्चों के अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब कोई बच्चा अपने मन से किसी सवाल का जवाब निकालने की कोशिश कर रहा है तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा इंकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, क्या यह प्रणाली सही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है नहीं है, तो बिल्कुल ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। चलिए प्रयोग एवं परीक्षण भी सही है, ठीक है, संवाद एवं परिचर्चा डायलॉग और डिस्कशन भी सही है, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर बल देना, तो बताइए भाई, तो दोहराने की बात हम नहीं करेंगे, तो कौन सा प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली नहीं होगा, दोहराने वाली रटने वाली प्रणाली सही नहीं होगी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है, अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा उदाहरण है, तो चलिए समाधान के लिए मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जब बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो ये तो समस्या समाधान की रणनीति का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मूल्यांकन पर ध्यान देना है। चलिए क्रियात्मक अन्यता एक वस्तु केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, केवल परंपरागत पर आप ध्यान नहीं दे सकते,
प्रतिक्रिया निर्धारित समस्या प्रस्तुतिकरण एक ही आयाम में सीमित नहीं रहता है। अब यहाँ पे अगला देख लीजिए, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। अगर कोई समस्या है तो आप उसको कई उपलक्ष्यों में विभाजित करके छोटे छोटे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो यह एक क्या हो गया, एक समस्या समाधान की रणनीति का एक सही उदाहरण है। ठीक है, चलिए बहुत सही दोस्तों, आगे अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 18 को। तो प्रश्न संख्या 18 भी ऐसा ही है। प्रश्न संख्या 18 के निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, मतलब मीनिंगफुल अधिगम का पक्ष कौन सा लेता है। तो चलिए, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, ये सुनने में तो सही लग रहा है। यहाँ पे लिखा है कि परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, मतलब जो टेस्ट होते हैं ना, द नंबर्स ऑफ टेस्ट को इंक्रीज कर देना, बहुत ज़्यादा टेस्ट लेना, बढ़ा देना। तो क्या लगता है आपको, ये सार्थक पक्ष लेगा नहीं लेगा। चलिए, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों का बढ़ावा देना, तो पुरस्कारों का भी बढ़ावा नहीं दे सकते, केवल पुरस्कार देना इज़ गुड, बट पुरस्कारों का बढ़ावा देना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। निर्देशों के लिए केवल व्याख्यान विधि, प्रश्न को ऐसे ध्यान से देखिएगा, केवल व्याख्यान विधि का अपनाना, तो केवल व्याख्यान विधि नहीं अपना सकते। अगला है कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो आपको विकल्प से ही लग जाएगा कि यह विकल्प बिल्कुल सही है, विकल्प संख्या 4, जो कि अधिगम में से कौन सा कारक कक्षा के सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, मतलब मीनिंगफुल लर्निंग का पक्ष लेता है। बहुत सही दोस्तों, लाइक कर दीजिए एक बार चैनल वीडियो को, मुझे उम्मीद है आपने अभी तक कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और इस क्रम में हम आज देख रहे हैं 2019 सीटेट पेपर 2। चलिए, एक शिक्षिका, मान लीजिए कोई शिक्षिका है अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी, मतलब एक बच्चे होते हैं क्रिएटिव होते हैं, तो क्रिएटिव बच्चों को हिंदी में कहते हैं सृजनात्मक विद्यार्थी, तो उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अपसारी चिंतन पर बल देकर, अपसारी चिंतन ना कहीं ना कहीं हमें संकीर्ण बना देता है। अपसारी अभिसारी, देखिए अभिसारी का मतलब होता है जो हमें बहुत दूर की चीज़ें या फिर बहुत फैलाव की चीज़ें सोचते हैं उसे अभिसारी कहते हैं। अपसारी मतलब जहाँ पे केंद्रित हो, तो अपसारी चिंतन पर बल नहीं दे सकते, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करना। अब कोई बच्चा ब्रॉडली सोच रहा है, बहुत विस्तृत रूप से सोच रहा है, तो आप उसको हतोत्साहित करेंगे तो ये भी नहीं कर सकते। अनेक परिपक्ष को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, सही लग रहा है ये जवाब। अगला विकल्प है, विद्यार्थियों के को जोखिम लेने वाले चुनौतियों का जोखिम नहीं दे सकते हैं, तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब है अनेक परिपेक्षों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अच्छा, मान लीजिए अगली बार इस प्रश्न को कई बार पूछता है लेकिन थोड़ा सा विकल्प बदल देता है। अगर यहाँ पे ये कहता अपसारी चिंतन पर बल देकर, बजाय अपसारी चिंतन पर बल देकर अगर आपसे ये लिख देता कि अपसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, मतलब जो बच्चे संकीर्ण रूप से सोचते हैं, एक केंद्र पे सोचते हैं, उसको हतोत्साहित, तो यह विकल्प सही हो जाता। ठीक उसी प्रकार अगर अभिसारी चिंतन को बढ़ावा दिया जाता तो यह विकल्प सही हो जाता, लेकिन इसमें दोनों में उल्टा कर दिया है, अपसारी पे बल और अभिसारी को हतोत्साहित, तो ये विकल्प इसीलिए खराब हो गया। इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, अपसारी और अभिसारी शब्दों को आप समझ जाइएगा। चलिए, बहुत सही, अब आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 को। 16 है दोस्तों, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा से कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो समावेशी कक्षा को समझ जाइए क्या होता है। समावेशी कक्षा का मतलब एक ऐसी क्लासरूम जहाँ पे फिजिकली चैलेंज बच्चे, मतलब जिनको शारीरिक थोड़ी सी परेशानी है, मे बी उनका हाथ काम ना कर रहा हो, पैर काम ना कर रहा हो, तो इस तरह के बच्चे और सामान्य वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो हमारे देश की जो क्लासरूम्स होती हैं वो समावेशी शिक्षा होती है, ठीक है, इसमें हर एक प्रकार के बालक एक साथ पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। किसी बच्चे को विशेष प्रकार की अधिगम की जरूरत है तो उसको किस प्रकार बता सकता है। अब देखिए, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, तो ये तो गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि जब रटने की बात हो जाए तुरंत गलत कर दीजिएगा। विद्यार्थियों को निर्देश देना के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना, एक रूप तरीके का प्रयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस, जब व्यक्तिगत विभिन्नता है तो एक रूप का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी बच्चे को जल्दी समझ आता है, किसी बच्चे को बाद में समझ आता है। अत्यधिक लिखित और गृह कार्य देना, मतलब ये भी तो गलत जवाब होगा ना, बच्चे को आप ज़्यादा होमवर्क नहीं दे सकते। तो इसमें तो बड़ा सिंपल है, सारे विकल्प गलत हैं, तो चौथा विकल्प तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सही हो जाएगा। तो चौथा विकल्प क्या है कि विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त
पक्षों एवं कमजोरियों का विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम एवं उद्देश्यों का विकास करना। तो बिल्कुल जवाब भी सही लग रहा है और यही सवाल जवाब सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 15 देख लेते हैं। आपने देखा कि ऐसे ही हमने 15 सवालों को डिस्कस कर लिया, 15 और बचे हैं, ऐसे ही डिस्कस करते हैं तो हमारा एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। एक बच्चा है जो पढ़ने के प्रति चिंता, मतलब उसको टेंशन हो जाती है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई को लेकर। शब्दों के अक्षरों के पहचानने में कठिनाई, मतलब बहुत आसानी से पहचान नहीं पाता शब्दों को और अक्षरों को नहीं पहचान पाता। निम्न स्तरीय शब्द उसको, उसका जो वकैब्स है ना, जो शब्दावली है उसका बड़ा थोड़ा कम है, छोटा है। और पहले से पढ़े हुए समझने याद करने में कठिनाई, जो चीज़ें पहले से पढ़ा हुआ है पाठ उसको ना तो याद करने में उसको कठिनाई होती है। तो इस बच्चे को देख के आपको क्या लगता है, इस बच्चे को देख के आपको क्या लगता है, यह बच्चा कैसा है? एक स्वलीन विद्यार्थी है, मतलब खुद से लीन रहने वाला विद्यार्थी है, या फिर एक सृजनात्मक विद्यार्थी, मतलब वो वाह व्हाट अ क्रिएटिव बंदा है ऐसा लग रहा है, या फिर अधिगम आसक्त, मतलब जिसको ना थोड़ा सा सीखने में डिसेबिलिटी है, सीखने में थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है सीखने में, अधिगम सशक्त नहीं है, अधिगम असक्त है। तो बताइए क्या विकल्प ये सही लग रहा है? मानसिक क्षति वाला विद्यार्थी, नहीं मानसिक क्षति तो नहीं कर सकते, इसको कह देंगे क्या है यह बच्चा, थोड़ा सा सीखने में इसको तकलीफ है, यानी कि अधिगम असक्त है, इसको अधिगम सशक्त बनाना है। चलिए तो यह विकल्प संख्या 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप विकल्पों को पढ़िएगा, प्रश्न को पढ़िएगा और साथ ही साथ विकल्प को पढ़िएगा, विकल्प खुद कहेगा कि हाँ मैं सही हूँ, मुझे टिक करो। चलिए एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए फिर से समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से ये दूसरा सवाल है बच्चों, ध्यान दे रहा है आपको? तो एक समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्ची अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता रखते हैं। बस सही बात है, ये तो यही सही लग रहा है, हम यहीं पर टिक कर देंगे, आगे विकल्प भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा में यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता रखते हैं। चलिए ये सही लग रहा है, बाकी विकल्प देख लेते हैं चूंकि गलत होगा। अच्छा, असक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति प्रदर्शन करना चाहिए। दया नहीं दिखा सकते आप, दया का मतलब आपने उसको सहानुभूति दिया, कमजोर समझा, दया समझा, ठीक है। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि वर्गीकृत नहीं कर सकते, केवल प्रतिभाशाली बच्चों के, प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ही ध्यान दें, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। हम यह यकीन करेंगे, एक शिक्षक यह विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चों को अपनी योग्यता एवं अपनी शक्ति के अनुसार सीखने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। चलिए बहुत सही, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछ रहा है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शिक्षा के क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसको बहुत जगह से यह बताया गया है कि अरे यार तुम्हारे सामाजिक वर्ग के लोग ना पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब बहुत लो प्रदर्शन करते हैं। अब ये इस ख्याल को आप कैसे दूर करेंगे, ठीक है? तो इस रूढ़िवादता एवं प्राथमिक आकांक्षा को प्रभाव आप कैसे खत्म करेंगे, ठीक है? अगर किसी बच्चे को ये कहे, इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा कर देंगे, मतलब कहेंगे अरे चलो हटाओ, क्या मतलब अनदेखा, अनदेखा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी चीज़ बच्चे के दिमाग में भर दी गई है। या फिर आप विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए, मतलब योग्यता आयोजित, मतलब क्या आप कंपटीशन करा देंगे कि चलो भैया देख लेते हैं किसके वर्ग के लोग ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो आप प्रतियोगिता भी नहीं कर सकते हैं। अगला विकल्प है कि विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य काम करने की सलाह देंगे, मतलब नहीं, आप ये भी तो नहीं कह सकते कि चलो तुम्हारे वर्ग के लोग अच्छा काम नहीं करते तुम पढ़ाई छोड़ दो, ये तीनों जवाब गलत होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट चौथा जवाब सही हो जाएगा कि विभिन्न सामाजिक वर्ग के रोल मॉडलों से संबंधित कहानियां उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि ऐसा कोई बात नहीं है, सामाजिक वर्ग से कोई मतलब नहीं है, तुम मेहनत करोगे आगे बढ़ जाओगे, इनको देखो इन्होंने मेहनत करी इस वर्ग तक गए, यहाँ तक गए, तो आप विभिन्न सामाजिक वर्ग के रोल मॉडल को कहानियां उनको बताएंगे। चलिए बहुत से, अब आइए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक या केवल संकलनात्मक, न तो संरचनात्मक या न संकलनात्मक, या फिर दोनों, तो क्या हो जाएंगे भैया? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दोनों शामिल होते हैं, विभिन्न प्रकार की रणनीति का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन मूल्यांकन का क्या होता है, योग होता है। चलिए बहुत सही, अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में प्रोग्रेसिव क्लास में क्या होता है? विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, सही लग रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प देखते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, मतलब निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करें, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान को उसी के रूप में दोहराया जाता है, या फिर शिक्षक के निर्देशों के अनुसरण, मतलब नकल, विद्यार्थियों के अनुसरण किया जाता है, नकल किया जाता है, तो क्या जवाब सही हो जाएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छा बात।
10 प्रश्न और रह गए हैं दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं। मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा गया है कि मानव के विकास में अनुवांशिक और वातावरण ये दोनों किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, पर्यावरण और अनुवांशिक। तो देखिए, व्यक्ति विभिन्नताओं का एकमात्र कारण अनुवांशिकता है, क्या एकमात्र कारण अनुवांशिकता है, या फिर परिवेश का पूर्ण रूप से एक व्यक्ति का निर्धारित करता है, क्या परिवेश पूर्ण रूप से निर्धारित करता है। कि मानव विकास में ना तो अनुवांशिक और ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है, अनुवांशिक का भी फर्क नहीं पड़ता और पर्यावरण का भी फर्क नहीं पड़ता, या फिर अनुवांशिक और पर्यावरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसकी दोनों की वजह से मानव का विकास प्रभावित होता है। तो बिल्कुल चौथा जवाब सही हो जाएगा। आप आंसर पढ़ते ही आप बताएंगे कि यह जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सही दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उन्हें समाज का जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बनाती है। वह प्रक्रिया जो किसी बच्चे को समाज के का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, क्या कहलाती है। तो जब समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाएगी तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समाजीकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना या विभेदीकरण। तो समाज से जोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, समाजीकरण। चलिए, आसान से सवाल था, बहुत अच्छा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितने भी प्रश्न हैं आप सब स्वयं अगर सॉल्व करते हैं तो आप भी पूरा का पूरा कर पाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय, मान लीजिए कि इस प्रश्न को आपने कभी नहीं पढ़ा है, ना कभी आपने जानना है, लेकिन प्रश्न से सही उत्तर कैसे निकालते हैं, आइए जरा ध्यान देखिए। हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार गणितीय, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता बताई। हमें किसकी विशेषता निकालना है, तार्किक गणितीय व्यक्ति की, ठीक है। तो तार्किक गणितीय व्यक्ति की, बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता निकालनी है। ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, तार्किकीय गणितीय, ठीक है, उसकी विशेषता ध्वनि, ताल तथा शब्दों के प्रति संवेदनशील, दृश्य स्थानिक परिवेश के सटीक रूप, संगीतमय अभिवृत्ति की आवाज़ के सरल ताल, ये फिर या फिर लास्ट देखिए, लास्ट में लिखा है पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखलाओं को हल करने, पैटर्न को खोजना और तर्क की, रीजनिंग की लंबी श्रृंखलाओं को हल करना। तो हमें तो यही तो निकालना है तार्किक गणितीय का, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पैटर्न को खोजने और तर्क की लंबी श्रृंखलाओं को हल करने की संवेदनशीलता, यही तो एक तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता होगी। चलिए, अब जैसे मान लीजिए संगीत में, ये तो संगीत की बात की जा रही है, दृश्य स्थानिक परिवेश ये तो चित्र कलाकार की बात की जा रही है, ध्वनि ताल संबंधित ये भी एक संगीतमय या ध्वनि या ताल संबंधित व्यक्ति की बात की जा रही है, लेकिन हमें विशेषता निकालनी है गणितीय तार्किक, तो इसका पैटर्न के खोजने और लंबी श्रृंखला तर्क की लंबी श्रृंखलाओं को हल करने की क्षमता की संवेदनशीलता। तो इसी प्रकार से आप प्रश्न में से जवाब को निकालेंगे और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहार्थ निकलते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपना कक्षा में क्या करना चाहिए। 6 से 8 क्लास के बच्चे को एक टीचर को क्या करना चाहिए, तार्किक बहस का प्रयोग को हतोत्साहित नहीं कर सकते तार्किक को, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसके तर्क के आधार पर समाधान की आवश्यकता होती है। सही जवाब लग रहा है, बाकी अगला देखते हैं। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त संग्रह, तो केवल मूर्त का नहीं और केवल निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, डिस्कशन आधारित, तर्क आधारित, लॉजिकल, तर्क का मतलब लॉजिकल, ठीक है। चलिए अब आइए, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में, ये रिपीटेड सवाल है दोस्तों, सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ प्रभाव को समझना हो सकता है। तो सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ को किसने दिया था, लॉरेंस कोरलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, वायगोत्स्की ने, या फिर अल्बर्ट बैंडुरा ने। तो सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ यह सिद्धांत लेव वायगोत्स्की ने दिया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछता है पेपर वन में भी और पेपर टू में भी। देखिए, जीन पियाजे हो गए या फिर वायगोत्स्की हो गए, इनसे सवाल आना ही आना है दोस्तों, इसको बहुत आप सावधानी से पढ़िएगा इसके पूरे कॉन्सेप्ट को। मैं भी अपने चैनल पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ टिमकी के क्या बोल, तो मुझसे भी बहुत अच्छे टीचर हैं। मैं अगर बात करूँ तो धीरज द्विवेदी सर हैं,
ठीक है। और उसके अलावा हिमांशी मैम हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं टेट के लिए, तो आप उनकी वीडियोस जरूर देखिएगा। मैं तो बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, मुझसे जो हो पाएगा वो भी मैं करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है। गुरुजी वर्ड धीरज द्विवेदी, उनका बोलने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है, और हिमांशी मैम, लेट्स टॉक, हेलो फ्रेंड्स, ऐसे करके, तो ये दोनों मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमन तर्क किस अवधि में, परिकल्पित निगमन तर्क की बात की जा रही है, कोई बच्चा परिकल्पित निगमन तर्क पे का विकास ये किस अवधि में आता है, संवेदी चालक ये बहुत नीचे नहीं आता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त में ही, तो जब अमूर्त का मतलब वो चीज़ें जो सामने नहीं है अमूर्त रूप में है उसके बारे में तर्क भी करना, यही क्या होती है दोस्तों परिकल्पित निगमन तर्क की अवधि में, इसी में आती है, तो आपका चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न आपका हो जाएगा, उसके बाद तो वीडियो को ख़त्म ही करना है दोस्तों। चलिए पांचवा प्रश्न पांचवा प्रश्न जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ये तो हमने देख लिया पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न, चलिए चौथा प्रश्न देखिए, वायगोत्सकी के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, यहाँ देखिए देखिए सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, देखिए सहयोग द्वारा विस्तारित करने को क्या कहते हैं, खोजपूर्ण अधिगम या फिर समीप्त विकास का क्षेत्र, अंतव्यक्तिनिष्ठा या फिर पाण, तो इसका सही विकल्प हो जाता है दोस्तों पाण या ढांचा, ठीक है, पाण या ढांचा सहयोग की बात करती है, सहयोग प्रवृत्ति को दर्शाती है। अब तीन प्रश्न जो है बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इसको तो हर एक बच्चा खुद से सही कर सकता है, पहले उस प्रश्न को देखिए, ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा यह प्रश्न आपको पढ़ के, कि हाल ही में पाठ्यचर्या में कुछ ऐसी कहानियों को शामिल किया गया है, ठीक है, जो ये दर्शाता है कि एक पुरुष घर में रह के कार्य कर रहा है और एक महिला बाहर जाके दूसरा कार्य कर रही है, ठीक है, साहसी गतिविधियाँ करती है, महिला को कुछ ऐसी कहानियाँ पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि महिला बाहर जाके साहसी काम कर रही है और पुरुष घर का काम कर रहा है, तो यह इसलिए ना क्योंकि हमारी जो सोच थी कि महिलाएं केवल खाना बना सकती हैं, घर का कार्य करती हैं और पुरुष का काम है कि बाहर के साहसी काम करना, तो इस सोच को, इस रूढ़िवादता को समाप्त करने के लिए ऐसी कहानियों को लाया गया है। तो यही पूछा गया है कि यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, नहीं बनाता, यह रूढ़िवादता को समाप्त करता है या फिर जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है या फिर जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देता है, तो दोस्तों यह कहानी, इस प्रकार की कहानियाँ जहाँ पे महिलाएं साहसी काम कर रही हैं और पुरुष घर का काम कर रहे हैं, तो यह क्या करता है, यह जेंडर रूढ़िवादता को समाप्त करता है, ठीक है। इस कहानी को पढ़ने वाली लड़की भी ये समझेगी कि मैं भी एक लड़की हूँ तो मैं भी तो साहसी काम कर सकती हूँ, मैं इसलिए नहीं बनी कि मैं घर पर केवल चूल्हा बर्तन करूँगी। चलिए अगला दूसरा प्रश्न देखिए, समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य के आधार, जो प्रारूपिक रूप से जन सामान्य की अवधारणाएं हैं वो क्या कहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिका, जेंडर पहचान या जेंडर रूढ़िवादता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादता, जो पहले से चली आ रही परंपराएं हैं, सामाजिक अवधारणाएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या एक, उसके बाद खत्म। अब मान लीजिए नूर जो है, नूर अपने विद्यालय में लंच लाना भूल गया, ठीक है, तो वो तान्या से कहता है कि, नूर जैसे लंच लाना भूल गया तो वो तान्या से कहता है, तान्या तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करो, साझा करो, क्योंकि मैं अपना नहीं लाया हूँ और कल मैंने भी तुम अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर किया था, तो वो कहता है कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुरूप यह कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को की अवस्था को दर्शाता है। चलिए अब चूंकि मैंने अपना शेयर किया था इसलिए तुम भी शेयर करो, ये क्या दर्शाता है, कानून एवं व्यवस्था, आज्ञा पालन, अच्छा होना या आदान प्रदान, तो क्या होता है ये आदान प्रदान का अभिविन्यास प्रारूप को दर्शाता है और परंपरागत अवस्था को दर्शाता है, ठीक है, तो यह एक आदान प्रदान की बात करती है क्योंकि मैंने दिया था, शेयर किया था लंच, तो आप भी अपना लंच शेयर करो। दोस्तों हमें 30 प्रश्न को देखें, आसान से शब्द में समझने की कोशिश करिए, मेरी जो ज्ञान है, मैं जैसे प्रश्नों को समझ पाता हूँ, मेरी कोशिश थी कि मैं उस आधार पर बताऊँ, हालांकि यह बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है, इससे भी बेहतर तरीका हो सकता है, आप खुद उससे समझ सकते हैं, मगर मेरी स्तर की यह कोशिश थी कि मैं आपको समझाऊँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, पढ़ने में अच्छा लगा होगा, प्रश्न समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत भी आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर हाँ दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय दे दीजिए, मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं कि यह वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊंगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमने 30 प्रश्न देखे। अगले वीडियो में हम 2019 के पेपर 1 को देखेंगे और इसी प्रकार से हम पूरे 10 साल के पेपर को CDP को देखेंगे, फिर हम चलेंगे मैथ पे या पर्यावरण पे और टॉपिक पे। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो से जुड़ने के लिए, देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अपनी राय कमेंट में दे दीजिए। और आप बार बार देख रहे थे ना टेलीग्राम पे जो मैसेज आ रहा था, मेरे दोस्त थे जो ग्रुप में हम एक साथ पढ़ते हैं, वो मैसेज कर रहे थे। अगर आप भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सब एक दोस्त हैं, साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, हम एक साथ वहाँ पर डिस्कस करके पढ़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा मुझे पढ़ा के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा चीज़ों को समझ के। अगर हाँ तो राय जरूर दे दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।